सो मैं कल से कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था और कमेंट बॉक्स में ज्यादातर क्वेश्चन यही आ रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, चाहे हाई स्कूल के बच्चे थे चाहे इंटर के बच्चे थे, सब लोग यही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए। ये सारी चीजों के आंसर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। सो ये सारी चीजें आपको जानने के लिए हमारा ही वीडियो अंत तक की देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मैं एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ कि वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां शेयर कर पाओ कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको बिल्कुल भी शंका नहीं रहेगी कि आपको पास होने में कितने परसेंटेज नंबर चाहिए और कितने नंबर चाहिए। सो वीडियो अंत तक की देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो नीचे दिया गया लाल वाला बटन उसको सब्सक्राइब पे जरूर दबा देना। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे सबसे ज्यादा लाइक मारोगे आप, डिसलाइक नहीं करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा कि पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। सो यहाँ पे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है मेरे फोन में और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एक सेकेंड मेरा कैमरा आपको थोड़ी देर में जूम करके दिखा देगा, अगर नहीं दिखा रहा तो मैं आपको बता रहा हूं। अब देख लो यहाँ पे 33% आपको कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे 33% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। एक सेकेंड में दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाना। 33% यहाँ पे मिनिमम आप पढ़ पा रहे होगे, अगर यहाँ पे पढ़िएगा, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 33% पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 33% मार्क्स आपको चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए। अब ये 33% नंबर कितने होते हैं ये सब कैलकुलेट करके आपको मैं बताता हूँ। सो यूपी बोर्ड हर साल अपने काम में चेंजेस करते रहता है। सो इस बार यूपी बोर्ड ने क्या किया था, इस बार यूपी बोर्ड ने ये किया था कि ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था यूपी बोर्ड ने। अब आपको ग्रेड कैसे है कि इंग्लिश में B2 यानी कि 7 नंबर 7 पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए। ये सब चीजें अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, तो 7 पॉइंट करके सभी सब्जेक्ट्स में आपको 35 नंबर चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, एक सेकंड में दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ पे आपको 35 नंबर चाहिए इंटर में पास होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 35 नंबर आपके दिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको 35 नंबर चाहिए इंटर में पास होने के लिए, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल छोड़ के है, रिटर्न में आपको 35 नंबर चाहिए ही चाहिए। प्रैक्टिकल को यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता है दोस्तों, प्रैक्टिकल तभी जुड़ते हैं जब आप पास होते हो। अगर आप पास नहीं होते हो तो प्रैक्टिकल से लेना ही देना कुछ नहीं बनता है। ये तो थी इंटर की बात, अब हम बात करेंगे हाई स्कूल की बात। हाई स्कूल में 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आपको पास होना है तब, सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आगे आप इतने इससे अच्छे ले आओ उससे अच्छी क्या बात है। सो होप करता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। यूपी बोर्ड हर साल चेंजेस करता है, जैसे इस साल इंग्लिश में ग्रेड उसने कम किए, यानी कि आपको पास करने की पूरे तरीके ढूंढता रहता है। पिछली बार 8 ग्रेड थे इंग्लिश के और हिंदी के 10 थे, लेकिन इस बार आप B2 और B1 में देख लेना कितने कम ग्रेड कर दिए हैं यूपी बोर्ड ने। देख लो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के ग्रेड कम कर दिए हैं केवल आपके लिए, क्योंकि आप पास हो जाओ, ठीक है। सो इसीलिए यूपी बोर्ड काफी अच्छे काम करता रहता है आप सबके लिए। पिछले साल क्या होता था पहले कि आपको 38 नंबर चाहिए होते थे पासिंग मार्क्स के लिए टोटल, लेकिन इस बार घटा करके 35 नंबर पे कर दिया है। हाई स्कूल वालों का बहुत पुराने से ही 33 नंबर था और आज भी 33 नंबर है सभी के लिए, तो सब लोगों को 33 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए हाई स्कूल में और 35 नंबर चाहिए इंटर में। सो ये 35 और 33 नंबर हाई स्कूल और इंटर वालों को कैसे मिलेंगे ये भी मैं आपको बहुत आसानी से इस वीडियो में बता दूंगा। सो यहाँ पे ग्रेड्स हर बार यूपी बोर्ड के बदलते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ पिछले साल के ग्रेड, आपको मैं पिछले साल के ग्रेड दिखा देता हूँ कि पिछले साल किस प्रकार से यूपी बोर्ड नंबर बांटता था और आप सब लोग पास होते थे और बहुत बच्चे फेल होते थे। पिछले साल भी लोग 37 नंबर पे पास होते थे। ये देखो यहाँ पे ग्रेड्स, मैंने कहा था 10 नंबर पे पास होते थे प्रति। ये ग्रेड्स आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, एक ग्रेड यानी कि 10 नंबर, एक पॉइंट मतलब, तो वो पॉइंट करके आपका 10 नंबर एक पॉइंट होता है, तो 3 पॉइंट आपको जब मिलते थे तो 30 नंबर होते थे और आपको पास होने के लिए 3.6 पॉइंट चाहिए। अब के नहीं, पिछले साल की बात कर रहा हूं, अब तो आपको केवल 35 नंबर चाहिए। मुझसे डायरेक्ट सुन लो, इन ग्रेड्स के चक्कर में ना पड़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इनसे मतलब नहीं है, आप मुझसे बस डायरेक्ट सुन लो कि हाई स्कूल में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए और इंटर में पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल तभी जोड़ा जाता है जब आप पास हो जाते हो। रिटर्न में आपके बात कर रहा हूं कि यहाँ पे पास होने चाहिए, आप इतने नंबर से पास हो जाओगे तभी आपको पास माना जाएगा,
सो यहाँ पे अगर आप डिवीजन की बात करते हो तो डिवीजन में आपकी थर्ड डिवीजन यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि केवल अगर आपके मान के चलो सभी सब्जेक्ट्स में 34-34 करके, सॉरी 35-36 करके नंबर आते हैं, 36-36 करके सभी में नंबर आते हैं, तो आपकी थर्ड डिवीजन लग जाएगी। और मैं ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो इस बार यूपी बोर्ड ने काफी चेंजेस किए हैं अपने ग्रेड्स में आप सबको पास करने के लिए, बिकॉज यूपी बोर्ड भी चाहता है कि बच्चे फेल ना हो, लेकिन आप सब लोग डर के कारण परीक्षा पता नहीं क्यों छोड़ देते हो। 33 नंबर लाना काफी ज्यादा आसान है, अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से लिख के भी चले आओगे ना, तो आपको आराम से 33 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपके बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि आपको अभी सब फ्री का मिल रहा है, जब मेहनत करके मिलेगा तो अभी आपको तब समझ में आएगा। सो इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मैं आप सबको एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी इस वीडियो में देना चाहूंगा कि इतनी जल्दी अगर आप हार मान लोगे तो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, वहां पे एक पता नहीं कौन कौन से दिन आएंगे जिस दिन आपको हार मानना पड़ेगा। सो ऐसे अगर आप छोटी छोटी चीजों पर हार मान लोगे और मतलब परेशान हो जाओगे, पेपर छोड़ दोगे, तो आपको आपका आने वाला समय क्या हो सकता है ये हम भी नहीं बता सकते। सो इसलिए इतनी जल्दी हार मत माना करें, ठीक है। और सामने वाली सरकार तो चाहती है आप सब लोग पास हो, सब लोग चाहता है कि आप लोग पास हो, लेकिन अगर आप कुछ लिख के आओगे, कुछ करके आओगे, तभी तो। देखो क्या होता है, आपको मैं थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर हर बच्चे को पास करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर बच्चा कुछ लिख के आएगा तभी तो पास करेगा। मान के चलो ये मेरी कॉपी है और मैंने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, कॉपी एकदम सादी पड़ी हुई है जैसे पड़ी रहती है, एकदम सादी कॉपी पड़ी हुई, तो बताओ सादी कॉपी को कौन नंबर देगा? कोई नंबर नहीं देगा सादी कॉपी को। तो जब सादी कॉपी को नंबर ही नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा? तो अगर आप सादी कॉपी छोड़ के आ रहे हो, उसमें अपना नाम लिख रहे हो, फलाना लिख रहे हो, ढमाका लिख रहे हो, तो ये सब चीजें आपको पास नहीं करा सकती। आपको बस पास वही चीज करा सकती है अगर आप फुल के फुल यहाँ पे सब कुछ लिख के आओगे, तभी आप पास हो पाओगे। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल करके आना। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, मान के चलो आपको सामने जो आपका 10th वालों की बात कर रहा हूं, 22 तारीख को उनका इंग्लिश का पेपर है, उनको कुछ नहीं आता है, एकदम शून्य जीरो, उनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप सब लोग बढ़िया आराम से बैठेंगे पेपर देने और सारा पेपर खत्म करके आएंगे, चाहे क्वेश्चन के आंसर में 10 बार क्वेश्चन ही उतारना, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हर एक चीज को लिखने का तरीका होता है, हर एक चीज को डिफाइन करने के तरीके होते हैं, ये सब तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। सो ये तरीके आप तभी सीख सकते हो जब आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग होगा, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग से काम लोगे तो आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। सो यहाँ पे सारी चीजें आसान तभी लगेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कब करोगे? जब आपको थोड़ा थोड़ा किताब उठाओगे। सो आपको अपनी क्या करना है, मान लो अभी मेरे पास काफी ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज आए थे कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है और उनका पेपर है 22 तारीख को। अब बताओ क्वेश्चन बैंक नहीं है तो किसकी गलती है? आपकी गलती है ना, आप अपनी किताब ही नहीं खरीद रखे हो, तो उससे पढ़ोगे कैसे और पेपर कैसे दोगे? ऐसे बच्चे तो 100% फेल होते हैं। आप मान चलो कि, चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, कम से कम मैं कोशिश तो करूंगा पढ़ने की। आप लोग कोशिश भी नहीं करते हो, आप लोग सोचते हो जैसा होगा तैसा होगा, देखा जाएगा, ये देखा नहीं जाएगा दोस्तों। आप सब लोग चीजों को समझो, आपके पास अगर किताब नहीं है तो 60-70 रुपए लगा करके क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक से अच्छा कुछ नहीं है, किताब की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बैंक एक परचेज कर लो दुकान से, मुश्किल से 100-150 रुपए की मिलेगी, आप उससे आराम से पढ़ लो, आपके आराम से 50 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सो ये सब चीजें ऐसी हैं जैसे आपको मैं समझाते आ रहा हूँ। मेरे पास एक मैसेज नहीं आया था व्हाट्सएप ऐसा कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभी कहीं बाहर रह रहा हूँ। मेरे पास हजारों मैसेज पड़े थे ऐसे व्हाट्सएप पे, कम से कम लाखों के संख्या में बच्चों के, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है मैं परीक्षा कैसे दूंगा और मेरा मन कर रहा है कि परीक्षा मैं छोड़ दूँ। तो सबको मैंने लगातार रिप्लाई किया था कि परीक्षा नहीं छोड़नी है, आपको आराम से एकदम अच्छे से परीक्षा देके आनी है, चाहे क्वेश्चन के आंसर में 10 बार क्वेश्चन उतारो, लेकिन सारे क्वेश्चन एकदम आराम से अटेंड करना जैसे करते आ रहे हो, एकदम परफेक्शन से काम करने की कोशिश करना। और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो अपनी राइटिंग ज्यादा अच्छी लिखने की कोशिश करेगा। ध्यान देना मैंने क्या कहा, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको राइटिंग और अच्छी करके लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी नहीं आता तो चलो राइटिंग गंदी करके जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 3 घंटे 15 मिनट समय बिताते हैं और चल देते हैं घर को, ऐसा नहीं है। आराम से आप अपना काम करना और राइटिंग ज्यादा ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करना। सो होप करता हूं कि आपको मेरी बातें एक एक करके समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताओ। सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हाई स्कूल में और इंटर में। हाई स्कूल में 33 मार्क्स चाहिए और इंटर में 35 मार्क्स चाहिए यूपी बोर्ड में पास होने के लिए। और सब बच्चे पास हो जाएंगे अगर आप मन लगा करके लिख के आएंगे तब, ठीक है। अगर आप लिख के नहीं आएंगे, कॉपी ब्लैंक छोड़ के आएंगे, तो ऊपर वाला भी आपको पास नहीं कर सकता है।
सो आप सबको अच्छे से अपनी कॉपी डेकोरेटेड करके आराम से लिख के आनी है और राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना। मेन टॉपिक जो होता है वो राइटिंग ही होता है। अगर आप एग्जामिनर को अपनी राइटिंग से प्रभावित कर ले जाते हो सो आपको अगर कुछ गलत भी लिखा होगा तो आपको नंबर दे देगा। सो अगर आप राइटिंग अच्छी लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो होप करता हूँ कि एक एक चीजें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा अपनी तरफ से। अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। और इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी लोग सोच रहे थे कि मैं परीक्षा छोड़ दूंगा, सिविक्स की, कोई भी सब्जेक्ट की, सोशल स्टडी की, केमिस्ट्री की कुछ नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी नहीं आती, मैथ नहीं आती, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं आता होगा। तो परीक्षा नहीं छोड़नी है, बस रिजल्ट का वेट करना है। अगर आप पास हो जाते हो ऐसा करने से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पास नहीं होते हो तो बस ये समझ लेना कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था तो मैं पास कैसे हो जाऊंगा। सो इतनी सी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था और पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था आप सभी के लिए। सो होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।